आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे। रेशियोमीटर से मात्र 10 से 15 सेकंड में किस तरह से बनेगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तभी तो आप सीख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न यहाँ दिखा हुआ है कि 15,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष 73 दिन में कितना रुपया हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कि मिश्रधन पूछा है। क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है, कितने साल में? 2 वर्ष 73 दिन में, ठीक है। तो चलो 2 वर्ष पूरा पूरी तो ठीक है, बचा 73 दिन। तो 73 दिन को हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में चेंज। तो 73 दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भागा देंगे, यानी यहाँ कटेगा 1/5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशियोमीटर से सीखेंगे, ठीक है। तो 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। एक तरफ लिखेंगे हम लोग मूलधन और एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये मेरा मूलधन हो गया, नीचे में हमेशा मूलधन होता है, अब वृद्धि हो रहा है ना, तो 10 पर 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है, 10 पे 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है, यानी मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन हो जाएगा 10 पे 1 का वृद्धि हो रहा है तो 11, यानी ये 1 साल का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो गया, 1 साल का 10 रुपया का धन था, बन के 11 रुपया हो गया। लेकिन कितने वर्ष, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, तो 2 वर्ष पूरा पूरी के लिए 10 से 11 और 10 से 11 हो गया, 1 वर्ष और 1 वर्ष 2 वर्ष हो गया। लेकिन अगले बार क्या हुआ, पूरा पूरी 3 साल नहीं है, कितना है, 1/5 वर्ष है, 1/5 वर्ष है, तो किसका, तो कहिए सर 1/10 का 1/5, ये दर है कितना का, 1/5 वर्ष का। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1/50, यानी धन हमारा 50 है तो 50 पे वृद्धि कितना का होगा, 1 का, यानी मूलधन मेरा 50 है तो मिश्रधन हो जाएगा 51। बस यहाँ तक काम हो गया। अब तुलना करेंगे, देखो ये क्या दिया हुआ है आपका, ये आपको दिया हुआ है मूलधन, है ना, 15,000 मूलधन का तुलना मूलधन से। यहाँ मूलधन रेशियो के अनुसार कितना है, 5 पे 3 शून्य, 5 पे 3 शून्य मूलधन का तुलना मूलधन से। मिश्रधन पूछा है कितना रुपया हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना है, 11 × 11 × 51, ये काटिएगा, ये 3 मरतब में कट गया। अब सॉल्व कीजिएगा, 3 × 11 × 11 × 51 कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 18 इतना रुपया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। करना कुछ नहीं था आपका, 10% के हिसाब से साथ, तो 10 से 11 दो साल हो गया, पूरा पूरी 3 साल नहीं था, 73 दिन था, यानी 1/5 वर्ष था। तो आप लोग रेट का भी 1/5 निकालें, यानी 1/10 का 1/5 निकालें तो आ गया 1/50, यानी धन 50 से हो गया 51, जो मूलधन मेरा पास पहले 50 था, मिश्रधन बन गया 51, तो मूलधन गुने मिश्रधन, ठीक है, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसी टाइप से एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखो इस वाले प्रश्न में है, कोई धनराशि है जो 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह में 9,310 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। यहाँ पर देखो ये हो जाती है, 910 रुपया हो जाती है, यानी कि ये आपका मिश्रधन आपको दिया हुआ है। धनराशि क्या है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे सबसे पहली बात, तो 16.2/3%, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, और यहाँ पे पूरा पूरी 2 साल 4 महीना है, कितना है, 2 साल 4 महीना, तो 2 साल छोड़िए, 4 महीना को वर्ष में करेंगे चेंज, तो 4/12 करेंगे, यानी 1/3 वर्ष हो जाएगा, 1/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे मूलधन और यहाँ पर लिखेंगे मिश्रधन, यानी कि मूलधन 6 है तो उस पर वृद्धि कितना हो रहा है, 1 का, तो मूलधन 6 से हो गया 7, 1 वर्ष का, मूलधन 6 से 7 हो गया 2 वर्ष के लिए। अब देखो पूरा पूरी 3 साल तो है नहीं, पूरा पूरी 3 साल तो है नहीं, है कितना, 4 माह, तो 2 वर्ष का काम हो गया, बचा 4 माह, 4 माह यानी 1/3 वर्ष किसका, तो 1/6 का। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 1/6 का 1/3 वर्ष के लिए, तो यहाँ से आएगा 1/18, 1/18 यानी मूलधन 18 है तो मिश्रधन कितना होगा, 19, 18 पे कितना का वृद्धि, 1 का, तो 18 से 19 कर दिया, ठीक है। अब ये मूलधन निकल गया, ये मिश्रधन आपका निकल गया, ये आपका मिश्रधन निश्चित राशि में दिया हुआ है 9,310 मिश्रधन, तो मिश्रधन का तुलना कर देंगे मिश्रधन से, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर देंगे। धन राशि पूछा यानी मूलधन पूछा, तो मूलधन कितना है, 6, 6, 6 × 6, ठीक है,
सिक्स गुने सिक्स गुने अट्ठारह, इसको सॉल्व करना है, हम लोग को काट देना है, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 490 मर्तम में, ये 749 से कट गया 10 मर्तम में। इसको जब हम लोग गुना कर दिए हैं तो हमारा आ गया 6480 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।